नूह जिले के मरोड़ा गांव में महिला आईटीआई में दाखिला लेने का अंतिम अवसर। दाखिला लेने वाली महिलाओं को मिलेगी ₹1,000 की प्रोत्साहन राशि। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नूह मरोड़ा ने अब की बार महिलाओं के लिए शेविंग टेक्नोलॉजी और कोपो कोर्स शुरू किया है। इन दो कोर्सों से नूह आईटीआई में प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है। आईटीआई के प्रधानाचार्य सुधीर कुमार ने बताया कि अब की बार वर्ष 2021-22 में विभाग द्वारा महिला आईटीआई में दो कोर्सों से प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है। दाखिला पोर्टल पर नए आवेदन 13 जनवरी तक स्वीकार किए जाएंगे तथा संस्थान में रिक्त सीटों के प्रति संस्थान स्तर पर मौके पर ही दाखिला 15 जनवरी तक प्रतिदिन किया जाएगा। अब तक कोपो ट्रेड में 24 सीटों में से 15 सीट पर दाखिले हो चुके हैं। मेवात जिले की लड़कियों के लिए महिला आईटीआई में दाखिला लेने का अंतिम व सुनहरा मौका है। प्रधानाचार्य ने बताया कि हरियाणा सरकार ने प्रतिवर्ष, जैसा कि विदित है कि जो विमेन आईटीआई नू है उसमें काफ़ी कम एडमिशन्स हो रहे थे, खासकर मेवात ज़िले की जो महिला ट्रेनीज़ हैं उनके लिए आईटीआई खोली गई थी, परंतु कम एडमिशन्स होने की वजह से ये ऑपरेशनल नहीं रही। बट इस साल इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने हरियाणा सरकार को एक प्रपोज़ल भेजा था विभाग की तरफ से, जिसमें फीमेल इनरोलमेंट रेशियो को पूरे मेवात ज़िले में ही कैसे बढ़ाया जाए। तो इनिशियली ये हम ज़िला स्तर पर करने जा रहे थे, परंतु डीसी साहब के साथ हुई मीटिंग की जो हमने मिनट्स अपने विभाग को भेजी, तो विभाग ने इस पर अच्छा इनिशिएटिव लेते हुए हरियाणा सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, ये सभी महिला परीक्षणार्थियों के लिए ₹1,000 की स्कॉलरशिप मंथली का अप्रूवल हमें मिला है। इस करंट शैक्षणिक स्तर से ये लागू होगा और ये जो स्कॉलरशिप है ये MDA के थ्रू वितरित की जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिला परीक्षणार्थी और जो छात्राएं हैं वो विमेन आईटीआई में एडमिशन लें और ज़िले की दूसरी आईटीआईज में भी फीमेल इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाया जाए। जैसा कि हम देखते हैं कि यहाँ की जो महिला या जो छात्राएँ हैं वो नॉर्मल कोर्सेज तो करने जाती हैं, पर टेक्निकल कोर्सेज की तरफ उनका रुझान कम है, जबकि टेक्निकल कोर्सेज उन्हें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है कि वो आगे अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकती हैं। जैसे बहुत सारे ITIs के द्वारा ऐसे ट्रेड ऑफ़र किए जा सकते हैं, जैसे सीइंग टेक्नोलॉजी है, बेसिक हॉस्पिटोलॉजी है, जिनका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। जैसे उसके थ्रू अपना कोई भी व्यवसाय खोला जा सकता है, जैसे ब्यूटी पार्लर है या फिर टेलरिंग की शॉप खोली जा सकती है, जिसके लिए महिलाओं को या छात्राओं को अपने घर से भी बहुत ज़्यादा दूर रिलोकेट होने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने ही गली मोहल्ले, अपने ही एरिया में ये काम शुरू कर सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं। तो इसी दिशा में ये एक स्कॉलरशिप, जो ₹1,000 की स्कॉलरशिप का प्रावधान किया गया है, ये उनको एक अच्छा मोटिवेशन देने के लिए किया गया है। तो इसके हमें अच्छे प्रभाव भी मिल रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि पिछले शैक्षणिक स्तरों में हमें काफ़ी कम एडमिशन्स मिला है। अभी बाकी ज़िले की दूसरी ITIs के अलावा भी हमें महिला ITI में कोपा ट्रेड में, जो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जो एक ट्रेड हमने चलाई थी, उसमें हमें 14 एडमिशन्स मिल चुके हैं, जबकि एक ट्रेड की यूनिट की स्ट्रेंथ लगभग 20 होती है। और इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ITI नूह में, क्योंकि ये महिलाओं के लिए भी है और इसमें छात्र छात्राएँ दोनों ही एडमिशन्स ले सकते हैं, ITI नूह में हमें इस बार 588 सीटों पे पूरे एडमिशन्स हमें प्राप्त हुए हैं, और जिसमें महिलाओं ने या छात्राओं ने कोपा ट्रेड में काफ़ी बढ़ चढ़ कर एडमिशन्स लिए हैं। अभी क्योंकि आखिरी एडमिशन की तारीख, जो लास्ट अभी काउंसलिंग चल रही है, ऑफलाइन काउंसलिंग, इसकी तारीख 15 है, हमें उम्मीद है कि हम एटलीस्ट कोपा ट्रेड जो है ITI महिला नू की, इसमें पूरे पूरे शत प्रतिशत एडमिशन्स प्राप्त कर पाएंगे। लड़कियों के लिए हमारे पास दो डेडिकेटेड विमेन ITIs हैं, एक फिरोजपुर झिरका धमाला में है और एक ITI महिला नू है। तो इसमें हमारे जो बहुत पॉपुलर कोर्सेज हैं वो हैं सीविंग टेक्नोलॉजी, जिसके बाद टेलरिंग की फील्ड में छात्राएं अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं, एक बेसिक कॉस्मेटोलॉजी है, ठीक है, और इसी प्रकार बाकी जो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड ट्रेनिंग असिस्टेंट है, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट सॉरी, इस प्रकार के 4-5 कोर्स ऐसे हैं जो स्पेशली लड़कियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और उनको एक अच्छा भविष्य देने में और आत्मनिर्भर बनाने में
काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इसमें हमने काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट्स किए इस चीज़ की वाइड पब्लिसिटी के लिए। हमने रेडियो मेवात के थ्रू हमने इसकी काफ़ी पब्लिसिटी करी। जैसा हमें पता है कि मेवात में लोग रेडियो बहुत ज़्यादा सुनते हैं और रेडियो मेवात एक अच्छा माध्यम है अपनी बात लोगों तक पहुँचाने का। इसके अलावा समय समय पर दाखिले के सभी चरणों के बारे में जानकारी अखबार स्थानीय अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुँचाई। इसके अलावा हमने एडमिशन्स टीम बनाई जो आईटीआईज के आसपास, हर एक ब्लॉक की आईटीआईज के आसपास जितने भी स्कूल्स हैं उनमें विजिट करते हैं और 10वीं 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं की करियर काउंसलिंग करती है। उनमें हम ना केवल बच्चों को आईटीआई के बारे में बताते हैं बल्कि उनके पास 10वीं या फिर 12वीं के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं उन सब के बारे में बताया जाता है ताकि छात्र को एक इन्फॉर्म्ड चॉइस मिले और वो अपने करियर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से एक इन्फॉर्म्ड फैसला ले पाए, है ना। जैसे अब 10वीं के छात्र के बाद कई छात्र ऐसे होते हैं जिनके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं जिनकी वजह से वो आगे पढ़ाई जारी नहीं, या जल्दी से जल्दी कोई रोज़गार शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए आईटीआई एक अच्छा माध्यम है। 1 से 2 साल के कोर्सेज होते हैं जिसके बाद वो इतने सक्षम और स्किल्ड हो जाते हैं कि अपना कोई भी व्यवसाय या किसी भी कंपनी में काम कर पाते हैं।